Unites.com, redefining Bollywood. जी अच्छी बात ये तो है कि जय और अली को री इन्वेंट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि वही जो हमारे पुराने जय अली है वही दिखे, उनके बीच में जो नोकझोंक हमेशा से रहा है वही देखना चाहते हैं, लोग को पसंद है। तो मुझे मुझे नहीं लगता कि इन्हें चेंज करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत हो। चैलेंज ये है कि इस बार उन्हें वैसे ही रखते हुए आप इन्हें इंटरेस्टिंग कैसे रख सकते हैं, और ये हम हासिल करते हैं क्योंकि हमारी जो कहानी वो बदल जाती है, हमारे जो नए चोर आ जाते हैं तो वो बदल जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी माहौल में फिट हो जाते हैं। मैंने कहा था कि क्योंकि उन्होंने पूछा कि उदय अभी आजकल उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया है, वो LA बेस हो गए हैं, वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने धूम क्यों क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि वो बहुत जज्बाती हैं धूम को लेके, हम दोनों हैं, हम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, और हम जब ये धूम 3 बनाने का जो निर्णय आदि ने लिया था तो तब आपने कहा कि हाँ मैं आगे कर लेता हूँ। फिर मैंने इनको बताया था कि आप हम दोनों के बीच में एक फ़ोन भी हुआ था जब आपको फ़ोन करके मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कर रहे हो, और तुमने कहा क्या तुम कर रहे हो, फिर मैंने कहा तुम करोगे तो मैं करूँगा, और तुमने कहा तुम करोगे तो मैं करूँगा। तो ये सवाल पूछ रहे हो आपसे। तो धूम मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि अली का जो कैरेक्टर है मैंने क्रिएट किया था पार्ट 1 में, इन द सेंस के ऑफकोर्स लिखा किसी और ने था, विक्टर ने लिखा था, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी काम किया था, रिसर्च किया था, और ऐसा कैरेक्टर निकला कि मुझे लगा कि यार अगर कोई और ये प्ले करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा शायद, तो इसलिए आई थिंक मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ इस कैरेक्टर से, और अगर कभी अगर धूम 4 बने और वो फिर से मुझे कास्ट करना चाहे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं ये कैरेक्टर फिर से प्ले करूँ। हम सब प्रोमो देख के ही तय करते हैं कि अगर हम फिल्म देखना चाहें या नहीं, हम 1000 जाके चीखें चिल्लाएँ कि भैया हमारी फिल्म देखिएगा, अगर उन्हें प्रोमो पसंद नहीं आए तो वो नहीं देखेंगे। तो मेरा मानना है कि आपका जो फर्स्ट प्रोमो है सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल रहता है आपके लिए। ये मुझे बहुत पसंद है कि जय और अली जो हैं, हालांकि हैं कठोर पुलिस अफसर, लेकिन कभी कभार जज्बाती भी बन जाते हैं, और कभी कभार उन्हें ये भी लगता है कि अगर चोर को सुधारा जा सके तो क्यों ना करें बहुत कुछ। देखिए जब आप आमिर खान जैसे एक्टर के साथ काम करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके और बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये बात है कि उनके काम को लेके वो कभी ईगो पे नहीं बैठते हैं, वो हमेशा काम ऐसे करते हैं कि उनकी पहली फिल्म है, बहुत ही सुलझे आर्टिस्ट हैं। आई थिंक मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कुछ एक सीन के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इस फिल्म में इतना कुछ है कि अगर मैं एक सीन के बारे में बात करूंगा तो वो राइट नहीं होगा पिक्चर के लिए पहले भी, और मैं कुछ देना भी नहीं चाहता हूँ 20 दिसंबर के पहले कि क्या है इसमें जो आपको देखना चाहिए। हाँ ये बात ज़रूर है कि आमिर के साथ जो जुड़ी गई कहानी है वो काफ़ी हद तक एक इंटरेस्टिंग और नई कहानी है धूम वर्ल्ड के लिए, और वो ज़रूर ऑडियंस को लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।